राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गया हम तो भगवान था प्रार्थना करें आप सब भी ठीक ठाक हो। और कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी दो मन रही है 6 और 7 तारीख की, तो देखते हैं कौन से दिन की मनाएंगे। भाई कोई से दिन मना लो, दोनों दिन जन्माष्टमी बता रहे हैं पर ज़्यादातर नु करे 7 की है। तो जन्माष्टमी की सब ने शुभकामनाएँ, भगवान कृष्ण मुनारी सबके जीवन में खुशियाँ लियावे और सबके घर में खुशहाली रहो। हम तो भगवान तैयार प्रार्थना करें हैं और सब खुश मौज मो रहो। तो जन्माष्टमी पे हम केक कुछ करेंगे, ज़्यादा कुछ तो करते नहीं, व्रत रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा वो भी दिखाऊंगे। तो आज मैं बना रही हूँ वीडियो, इसमें दिखा रही हूँ भाई पुराने ज़माने में के था जन्माष्टमी किस तरह मनाया करते हैं, नए ज़माने में किस तरह मनाओ है, तो वो सब दिखाएंगे। और ब्लॉक में बने रही हो, ब्लॉक बहुत मज़ेदार होने वाला है। हेलो सुनो जी, आप चले गए मुझे तो याद ही बाद में, कल जन्माष्टमी है और तो जन्माष्टमी का मुझे थोड़ा सा सामान मंगाना था, तो मेरा सामान आप ले आना। नू करना 4-5 किलो तो पेठे की मिठाई ले आना, 5-7 दर्जन केले ले आना। अब आंबियों का तो सीजन गया, आप नू करना मेरे लिए सेब ले आना, सेब का सीजन आ गया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, घेवर बच रहा हो तो 2-4 किलो भी मार्केट में हो तो 2-4 किलो घेवर ले आना। और देख लेना और आप क्या लोगे। हाँ एक और चीज़ है, गोणा से माथुराम की जलेबी भी ले आना, क्योंकि जलेबी खाए भी मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं। इतना सा सामान लेना, ये 4-5 थोड़ा सा सामान है, क्योंकि व्रत में मैं ज़्यादा कुछ तो खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा ही सामान मैंने बतेरा है। व्रत में ज़्यादा खाकर तो फिर व्रत का रखने का फ़ायदा क्या है। नू है थोड़ा बहुत सामान अड़का फुड़का सा खा लूँगी, और याद करके ले आना जो जो मैंने बताया है भाई, 5-4 किलो पेठे की मिठाई, सेब, फिर दूर आ रही हूँ कि आप भूल जाते हो नोट कर लेना आप, और सेब केले और कोई मौसमी फल हो तो वो ले आना, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लूँगी, याद करके ले आना। तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ और अपने मैं व्रत की तैयारी करती हूँ। मम्मी जी आज मुझसे तो खाना बनेगा, आज मैं हूँ व्रत की, आपको पता नहीं मैंने वैसे ही चलते चलते चक्कर आ रहे हैं, और मैंने तो ना अपना खाना शाम ने खाना है ऑनलाइन मंगा दिया है। आप ना कुछ खाना हो तो देख लेना, बचा बचा खा लेना और नहीं तो अपना बना लेना। मैं तो आज सारा दिन एसी में आराम करूंगी, मेरे तो पहले ही चक्कर आ रहा है, मेरे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मैं नहीं बनाऊंगी आज, कुछ भी नहीं करूंगी आज, सारा दिन मैं रेस्ट करूंगी। आपको मर्जी है, तो कुछ करना हो तो कर लेना और नहीं करना हो तो मत करना, मैं तो उसे लिए आराम करने। ए बेटी कुछ रोटी रोटी बना ले, आज तो कुछ काम मैं नहीं करा, तड़किया की सूती नहीं उठ ली, 10 बजे से उठ ले कि मैं कर ले काम कूम में हैं। ए हम तो बरती थे वे बहुत काम करया करते, तड़के 4 बजे उठ कर बाज बाज का काम निपटाया करते, कर ले कुछ काम, देखा करेगी कि ना, कह कहता देखू सू करती तो लग है मुश्किल है कुछ कर दे, आज नहीं लगता कि खट मत उठ लगी, मन ने करना पड़ेगा दिखा है ब्योत या नहीं करती लागती। एरी माँ आज मैं बरती हूँ जन्माष्टमी का, और आज देखिए मेरे तई के कुछ खाना मंगावेगी। ए बरती है तो सुन ले, बखत उठ कर 4 बजे पहला तो गोबर पानी कर लिए, आम भी है ना 4 बजे उठ लिया करते, उठ लिया बखत गोबर पानी कर लिए और के का कहना फिर खेत में चली जाइए बरोटे ले आइए, और थोड़ा सा जोटा मरवा दिए छोरे गल नलाण का कदा भाजा वो सैड देने हैं, एक दो घंटे का मरा दिए गणी दो फारी मार दिए बरती है तो इतना तो मरवा ही सका है जोटा सारा दिन नहीं तो, और अपने बरोटे बरोटे काट लिए कदा तावड़िए भाजा हुआ 2-3 बरोटे काट लिए, और पीसण का न्यू करिए पहले दिन पीस ले आज चून चांद जितना पीसना हतने कल चाकी पीस चा चून पीसण की टाला हो जाएगी ना, तो मंडी रही है उस चाकी गए हैं, और बरोटे बरोटे ले आइए और तड़के उठकर पहला गोबर पानी कर दिया रोटी टुकर जब खेत में जाइए, और फिर थोड़ा जोटा नाल का भी मारिए कदा भाजा हुआ फटफट
हाँ अरे ईब तक के व्रत करें से, व्रत तो हमारे टाइम में होया करते। देख आड़ा यो आड़ा पानी गाल कर पिया करते कती, बस न्यू था अक वो न्यू ना होगा अक भाई रोजे हो गए हैं मड़ा सा एक टुप्पा। अरे दो फरा होगी ना सुन, एक मग्गा सीत का रख दूंगी, ईब तो पी ले है एक टाइम, आए पीछे एक मग्गा सीत का, अरे गुड़ की डली दे दूंगी खा लिए, पी लिए खा लिए कूं, अरे गुड़ की डली खा लिए, इस सब मन जगह पर होते। अरे गणा कर एहसान जगह थोड़ा हरा रख दूंगी एक पड़ी भी दूध तरा, और अपने पीकर खोल लिया व्रत हो रहा। और के होया करा यो होया करा, मत इतना कर रही हूँ, गुड़ की डली देने लाग रही तने, मारी सासू तो भी ना दिया करती तने, गुड़ की डली तो ठाव है ये बेबे, उठ लियो आज तो व्रत से बाज बाज का काम करो, सासू ने काम बता दिया ये यो कर लियो, और बेबे खेत में आऊंगे आज तो बेबे शीत भी ठिया होगा बेटे पीण ने, वो भी बन पानी का सा सुन लिया, एक मग्गा तो नाच गाड़ा गाड़ा शीत दे दूंगी, और बेबे गुड़ की डली ठह जाएगी, बे ही मौज हो जाएगी आज तो, शीत का डार गुड़ की डली कति स्वाद आ जाएगा बे, बरती रहे था यो तो पीन, वो है व्रत, व्रत का व्रत हो जा, और शीत और गुड़ की डली भी ठह जा, ऊँ तो रोज तो पानी पंगड़ा शीत ठह बेबे, और गुड़ तक की दिख है गुड़ की डली, बहु बहुआ ना कौन गुड़ की डली दे बेबे, नु आज व्रत के बहाना है, कृष्ण मुरारी की दया तो मने गुड़ की डली ठह जाएगी है अपने, अरे एक पड़वी दूध भी ठह जाएगा कब थी सासू, जब व्रत खोल लगी ना सने गुड़ की वो एक पड़वी दूध भी गाल दूंगी बेटे, आज तक कति मौज हो जाएगी बेबे, आज तक बाज बाज का काम करूंगी सारा, सासू ने राजी रखूंगी, कदा संत आई सासू का मुंह बन गया, और फिर वह दूध की पड़वी ठियाओगी ना जो सन व्रत खोलती आना, वह पड़वी भी ना देवे, राजी रखनी पड़ेगी, आगे तक सारा काम करना पड़ेगा सासू का, आज तो और दिना भी घना काम करना पड़ेगा, क्यों सासू राजू राजी रहेगी तो जब तक मैंने गुड़ की डली और दूध और सीत ठियाओगा ना, तो घुसगी ना वांगा मुंह कर लिया, और तबे बे वो भी नहीं ठाणा से, और तब ईब अपना बखत काम निपटा कर तड़के बखत उठ लूंगी, 4 बजे के 3 बजे उठ लूंगी, सारा काम जब दबागा ऊँ तो काम भी नहीं दबागा, उठ का बखत सारा काम करना है, ससुरा जी रहे और बस और कैसी है, तो कल तो करना ही पड़ेगा यो काम। तो वे या मेरी वीडियो किसी लगी, या हंसी मजाक की वीडियो थी, और वे पहला तो व्रत कराया करते, इस व्रत में नू था भी सारा दिन कुछ नहीं खा करते, कति पहला के आदमी तो वही अड़े पानी थोड़ा सा वो नू था, एक पिया तो के जाए एक बूंद सी होया करती, मतलब जीव जीव वाली भी नहीं होया करती, वो पानी पी लिया करते, उस दिन वो जाया करता कोई व्रत मतलब रोजे नहीं हुए थोड़ा हा वो लगा लिया, फिर रात ना 12 बजे कुछ खाया पिया करते, सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं करते, और काम भी करया करते, वही पहला पहला जिसी तो देखी कह नहीं सकते, पहला आदमी में ताकत भी थी मत वो भी थी, अब भाई इब तो इतनी आरी बीमारी हो गई है, इतनी शरीर में किसी की ताकत नहीं रही, अब भाई सारा दिन भूखे प्यासे रह कर वो व्रत कर ले, इब तो आदमी ने चक्कर आ जा, यह भी सच्चाई है, और गर्मी का टाइम है देखो, गर्मी खूब हो रही है, गर्मी इब मौसम बदलिया भी नहीं है, और तो भाई भगवान श्रद्धा का बुक है, जिस पे जिस तरह रह जाए, ये नहीं सोचो कि सारा दिन कुछ खाना नहीं और अपनी सेहत ना खराब कर लो, तो भाई जो जिस पर नहीं रह जा तो अपना परमात्मा नाम ले लो, कोई नू नहीं है कि भूखे मरे तो ये भगवान मिल रहा है, जिसके बस की नहीं भाई ऊँ भी रह सक है, श्रद्धा के भूखे हैं भगवान तो, और भाई कोई रहना चाहो तो कति निर्जला तो किसी पर नहीं रह जाता कि सारा दिन कुछ खाए पिए बिना, उस तरह का व्रत तो भाई कोई सीधे सीधे आदमी भी है पर इस सबके बस की नहीं है, अब भी काम भी कर ले, अरे सारा दिन बिन कुछ खाए पिए 12 बजे तक ही रात के नुआ रह जा, ये तो भाई थोड़ा बहुत चाह पानी फल फ्रूट आदमी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पहला जितनी हिम्मत किसी में नहीं रहा, ये सबका शरीर ऐसा हो रहा है, तो पहला तो आदमी हम करड़ थी और वे इस तरह के व्रत कर लिया करते, पहला पहला तो हमने भी करे हैं, इब तो हमारे भी बस के नहीं भाई, सिर में चक्कर हो जाए सारा दिन भूखे भूखे तो मतलब आदमी रह ले, जो पानी है वही पानी नहीं पीना सारा दिन, कुछ भी नहीं खाना एक बूंद पानी भी नहीं पीना, तो उसमें दिक्कत आ जाए, आदमी चाह पानी पीता रहे तो आदमी कर ले, रात के 12 बजे का तो मतलब नू लगा ले सारा ही दिन हो जा है कुछ खाना पीना, तो हम तो नू कहा भाई जिसके बस की नहीं है इस तरह का व्रत करने का कोई वो नहीं है भाई, आदमी बीमार हो जाए फिर और दिक्कत हो जा, तो भगवान तो श्रद्धा का भूखा है, अपने श्रद्धा तब उसका नाम भी ले लो वो भी व्रत के बराबर हुआ है,
और मेरी वीडियो किसी लगी कमेंट करके बताइयो, और सब ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और वीडियो ने अड़े एंड करें, और सब ने राम राम।